आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप के बाद रिम्स के निदेशक के बंगले से वापस रिम्स के पेंग वार्ड में इन्हें भेज दिया गया है। आपको बता दें, लालू पर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चलते एक बार फिर से नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार लालू पर आरोप लग रहे हैं कि वो जिस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है उसके एक स्टाफ क्वार्टर पर उसकी पार्टी ने कब्जा जमा रखा है। बता दें, रिम्स के क्वार्टर में बकायदा आरजेडी का दफ्तर खोल दिया गया है। झारखंड की विपक्षी पार्टियां से लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। बताते चले कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रिम्स में इलाजरत हैं। यहां उनको भर्ती हुए लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है कि हेमंत सरकार की लालू पर खूब कृपा बरस रही है। हालांकि कृपा किसकी बरस रही है ये तो समझने वाली बात है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते लालू को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। तब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था और खबर यह है कि इस दौरान केली बंगाल आरजेडी का चुनाव हेडक्वार्टर बना दिया गया है। अब रिम्स के एक और मामला सामने आ रहा है कि वो एक रिम्स के क्वार्टर पर आरजेडी ने अवैध कब्जा जमा लिया है और यहां झारखंड राजद सुप्रीमो युवा मोर्चा का कार्यकाल बन गया है। यहां दर्जन भर से अधिक राजनीतिक कार्यक्रम भी हो चुके हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से रिम्स प्रबंधन और लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आरजेडी के इन आरोपों से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अतुल सहदेव ने इनकार करते हुए कहा कि रिम्स प्रबंधन को इस बात पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वो दिन पूरे दिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष रिम्स के निदेशक के कमरों को भी राजद का कार्यकाल बना लेंगे। आरजेडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अब राजद गंदा खेल खेल रही है और दूसरी पार्टी पर आरोप लगाकर खुद बचने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मामले में रिम्स प्रबंधन चुप्पी साध रहे हैं, मगर वहां रहने वाले लोगों की माने तो ये क्वार्टर रिम्स का ही है जिस पर युवा राजद के द्वारा ताला तोड़कर कब्जा जमा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।